इसी को बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान। देख रहे हो गाइस, हम जहाँ खड़े हैं ना वहाँ अंदर तक धूप आती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मौसम अपना रुख बदल रहा है। देखो पीछे तो इतनी धूप है कि भाई देखा नहीं जा रहा है। और इंसान को क्या करना चाहिए, मौसम के रुख के साथ बदलना चाहिए। वही हम कर रहे हैं। क्या जैसे कि आप हमारे पीछे यहाँ देख सकते हो, एकदम तगड़ी वाली एक अनबॉक्सिंग हुई है। देखो धूप आ रही है, पूरे पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको आराम से के समझाते हैं कि किस चीज़ की यहाँ पर अभी अनबॉक्सिंग हुई है। अभी अभी यहाँ पर अनबॉक्सिंग हुई है रेफ्रिजरेटर उर्फ फ्रिज की। मुझे यहाँ पर शिफ्ट होके कुछ 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में तुम्हारे भाई ने पूरी रिसर्च की है कि कौन सा फ्रिज बेस्ट है ये सेगमेंट में। तो मेरी जो फ्रिज की रिक्वायरमेंट थी वो थी अराउंड की 200 लीटर तक का सिंगल डोर फ्रिज आ जाए। आपका भाई दनके की चोट पे कह सकता है कि ये जो फ्रिज है वो बेस्ट फ्रिज है इन दिस सेगमेंट। याद रखिए गाइज, बेस्ट फ्रिज इन दिस सेगमेंट कह रहा हूँ मैं, ऑल टाइम बेस्ट फ्रिज नहीं कह रहा हूँ। कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में अपन इसके बात करें तो सबसे हाइलाइटिंग फीचर इसका क्या है, ओनली 104 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है इन ए ईयर। बहुत सेविंग होने वाली है, बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसका जो ग्रॉस वॉल्यूम है वो है 190 लीटर्स, मतलब स्टोरेज वॉल्यूम अराउंड आपको मिलता है 182 लीटर्स का, विथ स्टोरेज ड्रॉवर इन दी बॉटम। चेरी ऑन दी केक मोमेंट है ये। तो जो इसका लुक भी है वो काफ़ी अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जो प्राइस है, जो वैल्यू ये दे रहा है, जो प्राइस में ये आ रहा है बेस्ट है। तो ये तो कुछ मैंने आपको बस हाइलाइटिंग फीचर्स बताए, बाकी सारे जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट ये सेगमेंट के सभी फ्रिजेस में है। इस फ्रिज में ये सारे फीचर्स कॉम्पैक्ट करके दिए हुए हैं विथ अ बेस्ट वैल्यू। तो ये फ्रिज कौन सा है, ये फ्रिज है गोदरेज का डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर 190 लीटर्स। मॉडल नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये फ्रिज की। ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, थम्स अप, डबल थम्स अप सर्विस फ्लिपकार्ट का। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे मंगाया और आज मेरे को ये मिल गया। 1 दिन में डिलीवरी, ओपन बॉक्स डिलीवरी इन्होंने दिया है। जो अनबॉक्सिंग है वो तो उन्होंने ही की हुई क्योंकि वो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी में है। तो बिना किसी देरी के आप देखिए अनबॉक्सिंग। गाइज आपने अनबॉक्सिंग तो देख ली, अब फ्रिज को 5.5 घंटों के बाद उन्होंने स्विच ऑन करने बोला था, तब तक आइडल कंडीशन में रखने उन्होंने कहा था। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते उसके 12 घंटों के बाद आप उसके अंदर वेजिटेबल्स, पानी के बॉटल्स वगैरह रख सकते, उन्होंने बोला वैसे। तो अभी ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हो चुके हैं, आपको बताते अभी फ्रिज कैसा है, अंदर से भी पूरा व्यू देंगे आपको। गाइज अनबॉक्स होने के बाद अपना फ्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने वो 5.5 घंटे कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसको हम ऑन करेंगे। होप सो अभी चालू हो गया होगा फ्रिज। दैट्स इट, फ्रिज इज ऑन। काफ़ी अच्छा फ्रिज है गाइस, जैसे मैंने कहा था। यहाँ पर फ्रोज़न फूड के लिए है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है टेम्परेचर के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गोदरेज ऐसा क्लेम करता है कि ये जो वेजिटेबल स्टोरेज स्पेस है और ये जो कोल्ड
पोटैटोज और ऑनियन स्टोर करने के लिए जगह है, ये पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यही फ्रिज में, तो ये एक एडवांटेज है। तो आई होप गाइस बचपन में आपने भी ये किया होगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये प्रॉपरली बटन एडजस्ट करने का कि कब जाके ये लाइट बंद होता है। सो गाइस ये तो थे फ्रिज के कुछ शॉट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि प्राइस कितना है, कितने में मिला। तो मैंने जैसे पहले कहा, ये मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से फॉर 16,490 रुपीज़। यस गाइज मुझे पता है थोड़ा महंगा मिला, बट आप जानते हो रेफ्रिजरेटर्स, एसीज एंड कूलर ये सीजनल प्रोडक्ट्स है, मतलब समर सीज़न में इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ती है। मैंने ये भी रिसर्च किया है कि 2 महीने पहले इस प्रोडक्ट को लोगों ने 13,000 रुपये में भी लिया है। बट 100 बात की एक बात, जब ज़रूरत है अपने को प्रोडक्ट तो लेना है। अभी मेरे को अब भी चाहिए था, अब भी रिक्वायरमेंट लगा तो मुझे लेना ही है। मैं मानसून के लिए नहीं रुक सकता था कि उसका प्राइस ड्रॉप हुए। फिर भी मैं बोलता हूँ कि 16,490 रुपीज़ में ये बेस्ट फ्रिज है, वैल्यू फॉर मनी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। कोई भी आप अगर होगा ये टाइम पीरियड में फ्रिज खरीदने के बारे में सोच रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, गो फॉर इट। इसके अलावा इसमें और एन नंबर ऑफ फीचर्स है, नीचे दिए हुए लिंक से आप एक्सेस करके फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या फीचर्स है जो कि ये सेगमेंट में सारे फ्रिजेस में होंगे। मैंने बस वही फीचर्स बताए जो हाईलाइटेड है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग। अपना व्लॉग कैसा है ना, दो तरह के लोगों को फ़ायदा होता है, एक जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उनको तो मुझे देखने में मज़ा आता ही है, प्लस अगर कोई सोच रहा है फ्रिज लेने का या कोई भी अगर गैजेट्स का मैं रिव्यू या अनबॉक्सिंग करता हूँ जैसे रियलमी का मैंने किया था, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी को बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान। ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और व्हाट्स एवर रीज़न आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा इसको ज़रूर लाइक कीजिए। टिल देन दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ।